जी तो इन्होंने निकाला है केबल, ये केबल टूटी हुई है यार। ये वाली तो सेम यही लगानी है ना, ये जो टूटी हुई है ना ये चेंज है, वो ले आया। क्या इशू है भाई? केबल का इशू की तुम्हारे केबल बढ़ गए सर। केबल बढ़ गया, बढ़ गया। केबल का क्या हुआ? गाइस उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे आपको पीछे नजर ही आ रहा है, आज हम ख्वार हो रहे हैं और आज हमने ख्वार ही होना है क्योंकि हमारी ना जरा गाड़ी हो गया खराब। कल इसने हमें बड़ा जलील किया यार। हम पता नहीं इसकी कह रहे हैं जी कि गियर की ना जरा केबल टूट गया। वो हमारे राशिद भाई खड़े हैं मकैनिक के पास, हमें लाए हैं तो इसका भला अल्लाह खैर करे। खुद तो नहा लेते इसको, ये ठीक होने तो इसको भी नहला देंगे। तुम ना आयो? नहीं आज मैं नहीं नहाया। तो कल भी नहीं नहाया? कल मैं गर्म पानी नहाया। ये देखिए देखिए नहाया क्या है वो, कितनी दफा इसका बनता है आज ही नहाया। ये यार ये गाड़ी का हो गया, बट कह रहे गियर का मसला हो गया। ये उस्ताद देख रहे हैं बैठ के, बाकी अल्लाह खैर करे, देखते हैं कि क्या होता है यार। तो यही कोशिश है यार, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए क्योंकि हमारा तो गाड़ी ना ठीक हुई तो फिर हमारा पूरा टूर ख़राब हो जाना है, मसला ही है। क्योंकि अभी तो हमने आगे जाना है, हमारा मेन सीन जो था ना वो था स्कर्दू का गिलगे, तो हम सिर्फ इससे मिल रहे हैं। इससे क्या इशू है भाई? केबल का इशू की तुम्हारे केबल बढ़ गए सर। केबल बढ़ गया, बढ़ गया। केबल का क्या हुआ? कटे हुए। केबल का क्या हुआ? प्रोग्राम तो बढ़ गया ना, धूप में तू जरा चिकना नजर आए। ये हाँ कैसे लग रहे हैं? रोलेक्स ही बोलते ना, वही होता है, पता होता है ऐसे ही है कुछ। हमने कभी ली नहीं है गाड़ी। आपको कैसा खुशी मिली? कैसा महसूस हो रहा है? ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। आपको कैसा महसूस हो रहा है? नटी नटी ये बॉय देख ले। खुशी की बात है यार, बहुत मजा आया कसम से। मैं तो बड़ा परेशान था यार कि अब क्या होगा। मैं सोच रहा था गियर शेयर बढ़ गए। नहीं, खुशी की कौन सी बात है? बच गए गियर बढ़ गए, इसलिए खुशी। अच्छा उसकी खुशी की बात है, ठीक है। मैंने कहा जो खुशी हो रही है कि गाड़ी खराब हो गई। नहीं नहीं वो बच गए, अल्लाह करे तारे सारे जुड़ जाएं इंशाल्लाह। आज बस फिर सफर ही सफर है, आज आपको खाली पहाड़ी पहाड़ नजर आएंगे इंशाल्लाह। तो जी तो इन्होंने निकाला है केबल, ये केबल टूटी हुई है यार। ये वाली तो सेम यही लगानी है ना, ये जो टूटी हुई है ना ये चेंज है, वो ले आया, ठीक है। इसको भी जरा तेल शेल लगाना है, ठीक है। उसको मैंने बताया जिसको बता, तेल शेल लगा के ना सेट करके फिर लगा देना, ये चल जाएगा तब तक। एक दस ही चेंज करवा लेंगे जी। केबल ये है, नाश्ता नहीं किया, चावल छावल, भूख लग रही है, खाना खाओगे? और गरीब हो, हाँ ये खाना, ये दिन का खाना है, नाश्ता इसके गया ना इस टाइम कौन सा नाश्ता। चलो अपना डबो उठाओ उस्ताद, रश चावल ही दी रश करो जी। हाय 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 क्या बात, वो मेरा है, खोल ले खाया नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, मैंने कहा शायद विच करने के चक्कर में। ये जी कुछ गरीबों वाला नाश्ता आ गया, खाने लगे हैं। ये चेक करो यार, ये हाथों के अलावा देख लिया यार, बड़ा बड़ा हाला था इसमें। ये वो डालते हैं ना मसाला सलाद और वो सेब, हाँ ना चम्मच भी अंदर ही है, उन्हें क्या क्या चम्मच। मत भी बताएं कैसे हैं चावल गिलगित के, खा के बताएं कैसा लगा आपको चावल टेस्ट करके। उधर क्यों चले गए हैं? शेखर जी कैसे लगे? मजा है भाई, यही है जिसे तुमने मसाला डाला है ना। देख लीजिए इनको, मैं रात को पूरी रात कहता रहा हूँ जो सुबह ख्वार हो गए, इनको तो इतनी अकल है नहीं, बार बार में नहीं हो रहा। ये आप देख सकते हैं नाश्ता नहीं है, ये डायरेक्ट दिन का खाना है। कितने मीटर से दिए? हाँ ना जी से, ये मेरा ख्याल है सारा कुछ डाल दिया भाई ने। मसाला तो डाला ही नहीं भाई, पता नहीं कि जबरदस्ती की है। दूसरा मसाला है, वो अजीब रेड कलर का मसाला था, ब्राउन था, तीन चार खत्म हो गई। करके खाओगे क्या खाएंगे? की तो बात ही नहीं है, इतनी जल्दी खा रहा है तू, भूखा है? बोल मैं बचपन से भूखा, मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, है ना, मैं भूखा हूँ। ये बोली दोबारा बोली, मैं भूखा हूँ बचपन से, बचपन से ये चीज मान लिया गया बस। अच्छा यार तो ये उस्ताद ने भाई गियर फिट कर दिया,
ठीक है, वायर वगैरह लगा दिए, केबल जो उसकी टूटी हुई थी, तो बस अब इंशाल्लाह दोबारा से फिटिंग वगैरह होगी, तो जैसे ही फिटिंग वगैरह होगी तो फिर हम इंशाल्लाह निकल जाएंगे। अच्छा जी, तो ये हम गिलगित सिटी का ना एक छोटा सा मोहल्ला है, वहाँ पे है। अभी असल में नमाज़ पढ़ के निकले हैं यार, तकरीबन सुबह 10 बजे से लेके ना, तो अभी तक गाड़ी मतलब हमारी ठीक हुई नहीं है अभी तक यार, ख्वार हो गए हैं गाड़ी के चक्करों में। वो एक दफ़ा अभी तार का इशू बन गया था, तार चेंज करवाई थी, तो पता नहीं इसका अब दोबारा उन्होंने पता नहीं क्या किया, अभी तक वो लगे हुए हैं। तकरीबन आप कह लें कि इस टाइम हो रहे हैं 4, 4:30 बजे हो गए हैं, तो सुबह 10 बजे से हम लगे हैं, मतलब अभी तक हम जलील हो रहे हैं। ये आप चेक करें ना, ये छोटा सा मोहल्ला है, यहाँ पे हम आए थे नमाज़ पढ़ने, और बस सब अल्लाह खैर करे यार, अभी तक वेट कर रहे हैं। आज का हमारा जो पूरा दिन है वो ज़ाया ही गया है, ठीक है। अब उम्मीद यही है, ये छोटा बच्चा आ रहा है, क्रिकेट खेलते हो ये हम वाले में, अब हम जा रहे हैं वापस ये वर्कशॉप वाली साइड, ये छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ पे, वही कहाँ से थे देखिए बोल ना जाए, यहाँ से हम एक दफ़ा ना इस साइड में उस तरफ निकल गए थे, राइट हो गए थे, वो जो बच्चा खड़े ना वहाँ उस साइड में हम चले गए, तो हाँ यही है। अब हम जा रहे हैं वापस यार वर्कशॉप वाली साइड पर, अब देखते हैं कि गाड़ी का क्या बना है वहाँ पे। कसम से लेट लेट के ना वर्कशॉप, एक पत्थर सा अजीब से कोई जगह बनाई हुई है, वो उस पर हम लेट लेट के कमर दर्द करने लग गई हमारी। आज हमारा प्लान वैसे था कि आज हम ना स्कर्दू से पहले वाशू वैली है और शंगरीला, लोअर कचूरा और अपर कचूरा लेक्स जो है, तो मैंने कहा वो एक्सप्लोर करेंगे, तो फिर जाके स्कर्दू में नाइट स्टे करेंगे, फिर कल स्कर्दू घूमेंगे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और गाड़ी वक्त टाइम पे सेट नहीं हुई। यहाँ से भी ज़रा बहुत ही हसीन किस्म का नज़ारा आ रहा है, नीचे पानी को रहने दें नीचे नहीं देख रहा आपने, ऊपर पहाड़ को देखना। ये लोग नीचे कर, ये थी वो है घर है, आगे जाके किसी के घर घुसेगा अल्लाह के बंदे। ये वापस आ गए यार हम, पता नहीं सारा कुछ खोला हुआ इन्होंने, कुछ समझ नहीं आ रही बन क्या रहा है, क्या नहीं बन रहा, क्या बना साथ कुछ भी नहीं हो रहा सर, अभी इधर बैठे यार, केबल नहीं मिल रहे, अभी कुछ करना पड़ेगा यार, केबल का तो कुछ करो ना। नहीं हमने लाया वो जुगाड़ भी किया फिर भी नहीं मिल रहा, क्या करें अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो रहा है, इस्लामाबाद से जब आएगा तो पता नहीं कितने 2-3 दिन लग जाएंगे तकरीबन, देख सकते हैं जी हालात बहुत ख़राब है, इधर कुछ मिल ही नहीं रहा, ना केबल मिल रही है ना कुछ, एक वो मुश्किल से मिली थी उसका जुगाड़ लगाया, फिर भी जाके ना वो कुछ हुआ नहीं है उसका। अब ये उस्ताद लगे हुए यार, देख रहे हैं उसका पता नहीं क्या बनता, अल्लाह खैर करे। तो हम होटल पे आ गए यार, गाड़ी अभी तक हमारी मिली नहीं यार, मसला ये हो गया कि उसकी वायर का इशू आ रहा था और वायर यहाँ पे है ही नहीं, शायद पिंडी से मंगवानी पड़ गई वो लोग कह रहे थे, और ये भाई हम कसम से ये खाने का भी दिल नहीं कर रहा यार, कल का दिन चलो खैर जैसे भी गुजरा, आज का दिन ज़ाया हुआ और अब कल का दिन फिर से आ गया, 2 दिन हमारे से, और कल भी पता नहीं कि पता नहीं ठीक होती है नहीं होती है, अब जो का मेन जो बड़ा उत्साह है वो आएगा फिर होगा। खैर हमने जी मंगवा लिया है साथ ही सीधी रोटी, बस अल्लाह करे यार कल ठीक हो, फिर आगे देखते हैं। एक और रूम मिला है क्योंकि पिछले दोनों दिन से ना हम लोग गिलगित, पहले तो हम गिलगित आए एक होटल लिया था, फिर हम उंजा वगैरह घूमे और फिर वापस ना सेम ही होटल में आ गए, आज हम ना दूसरे होटल में आए हैं और ये हमें उससे ज़्यादा मुनासिब मिला है। फिलहाल तो इनके पास यही खाली था, तो उन्होंने कहा भाई यही 3 बंदों के लिए तुम लोग एडजस्ट अगर हो सकते हो, तो हमने कहा भाई हम तो एक बेड भी दो हम एडजस्ट हो जाएंगे, क्यों बात भाई क्या कहना है आपका इस बारे में। यार ये हमें बहुत मुनासिब मिला है, ये तकरीबन हमें 1500 का मिला है, पिछला रूम जो था वो 2500 का था, नहीं 2500 दिए थे उसको, हाँ 2500 का था, ये हमें 1500 में मिला यार, और ये मैं कहता हूँ कि ये उससे ज़्यादा अच्छा है उस रूम से ना, ये रूम बहुत अच्छा है, टी वी शीवी भी लगा हुआ है, मॉल देखेंगे फुल मॉल, क्यों जी शेख साहब सही कह रहा हूँ, ठीक है सर। वाईफाई दूसरा तो मज़े की बात, वाईफाई भी है उनका, तो ये था यार कभी बार लाइट चली जाती थी और कभी
लाइट आती थी अपनी मर्जी से, गर्म पानी वाला भी सीन कोई नहीं था, बस पैसे ही ज्यादा थे और तो कुछ नहीं था। यहाँ पे गर्म पानी 24 घंटे आता है। दूसरा ये कि यहाँ पे सीन इस चीज का अच्छा है कि यार यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है, उसमें वाईफाई था लेकिन वो ना फिर चलता नहीं था। इनका अच्छा है, इन्होंने दिया हुआ हमें कोड, कोड कोड दे के दिया भाई, ये जी ये कनेक्ट कर रहे हैं वाईफाई। ये शतूत लेके आए हैं जी, बिलाल भी शतूत, तो शतूत ले रहा कुछ ड्राई फ्रूट लिया है हमने, अल्लाह करे यार अल्लाह करे गाड़ी दो सेट, तो इंशाल्लाह फिर और भी देखने का मजा आएगा यार, आगे भी देखेंगे, आगे और जगह एक्सप्लोर करेंगे। हेलो जी, तो कैसे हैं आप सब, खैरियत से हैं? ठीक है। अभी यार हम लोग सुबह हुई है, उठे हैं, नाश्ता शाश्ता किया है और अभी ये जी हम वर्कशॉप पे हैं दोबारा से। ठीक है, तो ये देख सकते हैं जी उन्होंने लगे हुए जैक शैक, अब दोबारा से लगा रहे हैं गाड़ी को। अब इनका कोई बड़ा उस्ताद है यार, उसने आना है तो वो आएगा, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह क्या तो रहा है 15-20 मिनट में आऊँगा मैं, उसने उसको कॉल शॉल की है। ये देखें जी सारा कुछ खुला हुआ है, हर चीज़ गाड़ी की इन्होंने ना खोल के रखी हुई है। अभी आएगा तो वही उसका मतलब कोई गियर शेयर का फिर कोई सीन होगा। ये दूसरे उस्ताद हमारे खड़े हैं, ये भी देख रहे हैं कि इसका क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ा जाए। ये कब तक ठीक होगा ये? इंशाल्लाह अभी 2-3 घंटे में क्लियर हो जाएगी। बस इसको आज क्लियर करो उस्ताद, आज इसको क्लियर करो नहीं तो हमारा टूर कैंसिल और हम फिर वापस जा रहे हैं। बस तो मैं भाई समझ गया, भाई को पता है वो, कोई मसला नहीं है। वो इस तरह है ना, अगर ये कंप्लीट हो भी नहीं गई तो फिर इसके बाद यहाँ पर प्रेमी आती है ना, उसे आप जायज कर दो, वहाँ पर विजिट करें। नहीं नहीं जाना हमने इसी पे है, इसी पे जाना हमने इसी पे है, इसको आज क्लियर करो। ठीक है, जाना इसी पे। ये भी अब शुरू हो रहे हैं इस पे दोबारा से वर्क इन प्रोग्रेस। आपको क्या लगता है क्या बनेगा? इधर आना, इधर आना, इधर 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 आना, यहाँ खड़ा हो, यहाँ खड़ा हो, धूप है, तू प्यारा लगता है। चले जी, मैंने सवाल ही नहीं पूछा, अभी तो मैंने पूछा ही नहीं, अभी मैं पूछूंगा ना, मुंह तो इधर कर, नजर तो ऐसे ही से। अच्छा जी, तो अहमद भाई आपको क्या लगता है? मुझे लगता है 3 घंटे के अंदर ये, अभी सवाल तो पूरा होने दे। अहमद भाई आपको क्या लगता है कि गाड़ी का क्या बनेगा? अरे चलो छोड़ दो बस, ठीक है हो जाएगा, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाती ये भाई, हो जाएगा कुछ ना कुछ इसका आज इंशाल्लाह, देखते हैं फिर। उम्मीद तो है अब ये जब उस्ताद आएगा यार इनका, आप देखते हैं अल्लाह करे आज क्लियर करें। इनका बड़ा उस्ताद है, उसने आना है, वो एक दफ़ा आ जाए ना उसके तो मैंने मत्थे हो जाना है भाई, इसको आज ही करके दे, आज दिन ही दिन में इसको क्लियर करा के तो इंशाल्लाह आगे निकल जाएंगे फिर, नहीं तो फिर सारा ट्रिप कैंसिल वापस घर। फाइनली जी हमारी गाड़ी आज सेट हो गई है यार, अल्लाह के फजल करम से केबल मिल गई थी कहीं से, बस एक दुकान थी, हमेशा ना हम लोग बड़ी दुकानों के चक्कर में छोटी दुकानों को करते हैं इग्नोर, और वही किए हमने। इस दफ़ा एक छोटी दुकान थी उस पर गए हैं, ठीक है, और वहाँ से इसकी बिल्कुल न्यू केबल मिल गई हमें, अल्लाह के फजल करम से भाई गाड़ी हो गई है। यस, अब इसको दिलवाएंगे। अच्छा जी, तो फाइनली हमारी गाड़ी होगी ठीक और हम लोग फिर से स्कर्दू की तरफ रवा दवा, भरपूर उम्मीदों से दवा दवा है इंशाल्लाह। और सीन ये है कि गाड़ी यार गाड़ी काफी गंदी हुई हुई है, लेकिन वो कह रहा था कि आप दुलवाएं नहीं रास्ता, क्योंकि रास्ता बहुत गंदा है, तो हम कह रहे हैं कि अभी उधर ही जाके दुलवाएं और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।